कलेक्ट्रेट ऑफिस दिखा रहे हैं गोरखपुर में, जहां पर योगी आदित्यनाथ, अमित शाह पहुंच चुके हैं नामांकन दाखिल करने के लिए। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस वक्त यहां पर मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नामांकन दाखिल करते हुए पहुंच चुके हैं। अपर जिला मजिस्ट्रेट, उनके ऑफिस, कड़ी सुरक्षा के साथ योगी आदित्यनाथ यहां नॉमिनेशन फाइल करते हुए। तो बीजेपी का यह दिखाने का भी कोशिश कि शक्ति प्रदर्शन और साथ ही साथ किस मजबूती के साथ बीजेपी जो है वो चुनावी मैदान में उतरी है, वो भी यहां पर दिखाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। अभी अभी थोड़ी देर पहले हुंकार भरा गया सभा में, और उस हुंकार के साथ योगी आदित्यनाथ यहां पर नॉमिनेशन फाइल करते हुए। आपको बता दें कि गोरखपुर में छठे चरण में मतदान होना है और आज अधिसूचना जारी होगी। मुख्यमंत्री पहले दिन अपना नामांकन भर रहे हैं। पहली बार योगी आदित्यनाथ विधानसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं। ये पहली बार है जबकि वो विधानसभा के चुनाव में एज ए कैंडिडेट उतर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने उन्हें गोरखपुर शहर सीट पर उम्मीदवार बनाया है और अभी फिलहाल चाहे वो सपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, किसी ने अपना कैंडिडेट इस सीट पर नहीं उतारा है। जाहिर सी बात है, योगी आदित्यनाथ का जो कद है, जो नाम है और जिसको लेकर वहां की जनता उन्हें जानती है, मुख्यमंत्री तो वो रहे ही हैं और सांसद रहे हैं यहां पर, तो एक लंबा कार्यकाल इनकी कर्म भूमि रही है ये। और ऐसे में गोरखपुर शहर सीट से नामांकन दाखिल करना बीजेपी के लिए तो ये प्लस पॉइंट है, लेकिन बाकी लोगों के लिए मुश्किल जरूर है कि योगी आदित्यनाथ के सामने कौन सा कैंडिडेट खड़ा किया जाए। आपको बता दें कि कल लखनऊ में ही योगी आदित्यनाथ ने पार्टी कार्यालय पर 5 साल की अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई थी और उन्हें साफ तौर पर कहा था कि सरकार ने जो काम किए हैं उसी के बलबूते उन्हें उम्मीद है कि बीजेपी 2022 में एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेगी। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर बातचीत में मीडिया से यह भी कहा था कि उनकी सरकार ने 5 साल काम किया है तो उसकी रिपोर्ट देना भी हमारा कर्तव्य है। और अब से थोड़ी देर पहले भी उन्होंने यही बात मंच से भी कही। उन्होंने 370 धारा हटने का जिक्र किया, गृहमंत्री की तारीफ की और साथ ही साथ जिस तरह से चाहे पूर्वांचल से पश्चिम की भी बात हो, पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल में पिछले दिनों जिस तरह से बीजेपी ने और खास करके योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से इन्होंने गुंडा राज खत्म करने का दावा किया है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसे वो हाईलाइट कर रही है इस चुनाव में। चित्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। चित्रा, नॉमिनेशन फाइल करते हुए हम दिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ को, कितने बड़े कैंडिडेट हैं, कितना बड़ा चेहरा है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2-3 बातें अहम हैं जो बार बार यहां पर चुनाव में और प्रचार के दौरान बीजेपी कह रही है, योगी अभी कह रहे थे और खुद गृहमंत्री ने भी जिक्र किया, 370 का जिक्र किया, अयोध्या का जिक्र किया, और ये भूलने नहीं देना चाह रही है कि पिछले दिनों जिस तरह से विकास हुआ है और खास करके चाहे वो फर्टिला गोरखपुर की अगर विशेषकर बात करें तो चाहे खाद कारखाना हो या फिर चीनी मिल हो, एम्स की बात हो, तमाम तरह की चीजें गिनाई है और विकास को एजेंडा बनाकर यहां पर आगे चलने की बात कह रहे हैं।